फ्रेंड्स वेलकम टू बाइक माई सिविल टेक में आप सभी का स्वागत है इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 900 स्क्वायर फीट की अगर स्लैब कास्ट करने जा रहे हो तो उसके अंदर लगने वाला यूज होने वाला मटेरियल और प्लस उस मटेरियल का कॉस्ट हमारे स्लैब में क्या पड़ेगा कॉन्ट्रेक्टर क्या चार्ज लेगा कॉन्ट्रेक्टर उस चार्ज में क्या क्या करके देने वाला है तो पूरा वीडियो देखिए ये भी वीडियो डिमांडेड है राहुल अग्रवाल ने मैसेज किया है कमेंट किया है 900 हंड्रेड स्क्वायर फीट स्लैब कास्ट के लिए कितना कॉस्ट आएगा तो आज हम इस टॉपिक में बिल्कुल कवर करने वाले हैं और आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा अगर आप स्किप कीजिएगा तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए स्टार्ट कर लेते हैं आज की सेशन आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हाउस का स्लैब कास्ट फॉर नाइन 900, 900 स्क्वायर फीट स्लैब कास्ट ठीक है तो बिल्कुल उसने प्लॉट साइज मुझे नहीं बताया इसलिए प्लॉट साइज़ हम नहीं दें आपके प्लॉट साइज़ जो भी है अगर उसको आप मल्टीप्लाई करते हो अगर 900 स्क्वायर फीट या एट फिफ्टी से लेकर नाइन हंड्रेड अगर मैच हो रहा है तो आपका ये क्वांटिटी कम कर जाएगा राइट अब हम सीमेंट की बात करेंगे 900 स्क्वायर फीट स्लैब कास्टिंग के लिए जो सीमेंट यूज़ होता है हमारा एटी फाइव वैक्स एटी प्लस थर्टीन वैक्स अगर आप इनको इक्वल करोगे तो आपके पास आएगा 98 एट बैग्स जो कि यूनिट में हम बैग्स लिखेंगे बैग्स राइट अब हम बात करते एट्टी फाइव बैग्स ओ सीमेंट है एट्टी फाइव बोरी ओ सीमेंट है जो हमारा स्लैब में यूज होगा 13 बैग्स ओ सीमेंट है हमारा जो कि आपके बीम में यूज होने वाला है जो कि आप देखोगे कुछ छः इंची तक तो हमारा मर्ज हो जाता है बीम के साथ राइट लेकिन आपका नीचे से जब आप रूप जहाँ पे सेटरिंग नीचे वाला बॉटम लेयर में जब सेटरिंग लगाता है देखना बीम का भी सेटरिंग लगाता है जब उस सेटरिंग को आप रिमूव करोगे तो आपको वो वाला पार्ट आपको दिखाई देगा चाहे उन आठ इंची एच पर साइड या छः इंची सात इंची देखो ज़्यादातर तो आठ इंची एच पर साइड एच पर रखा जाता है राइट अब हम बात करेंगे दोनों को जोड़ दिया इतना तो हमारे मार्केट प्राइस रेट आज के डेट डाइट में चार सौ बीस रुपया है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट आएगा इकतालीस हजार एक सौ साठ रुपया इकतालीस हज़ार एक सौ साठ रुपीज़ पड़ने वाला है राइट क्लियर है अब बात करते सैंड जिसको आप बालू बोलते हैं घरेलू भाषा में टेक्निकल में हम सैंड बोलते हैं राइट तो 200 सौ सी एफ़ टी आपका से, सेंड आएगा 200 सौ सी एफ टी क्या आएगा आपका सेंड आएगा अब यहाँ पे थोड़ी सी क्लाइंट को कन्फ्यूजन होगी यार 200 सौ फूट बोला है कॉन्ट्रैक्टर फूट बोल के गया एग्रीगेट इतना फूट देखो फूट एक्चुअल में नहीं होता है अक्सर एज पर साइट एज पर कॉन्ट्रैक्टर ये सारे लोग गलत बोलते हैं क्योंकि कैसे हुआ फूट मतलब सिंगल डायमेंशन लेकिन हमारा ऊंचाई देखो लंबाई चौड़ाई और कितना देखो डेप्ट कंक्रीट आया इसलिए हम तीन डायमेंशन को हम बोलते हैं सी एफ टी सेंड की पेमाइस एज पर साइट कैसे करते हैं वो मैंने वीडियो बना रखा है आप वीडियो जाके देखिए कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में डाल दिया है भाई ने राइट अब देखो सेंड हमारा है फिफ्टी फाइव रुपीज एज पर मार्केट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा ग्यारह हजार रुपया ग्यारह हज़ार रुपया एग्री हमारे पास है तीन सौ साठ सी एफ टी तीन सौ साठ सी एफ टी एग्री यूज होने वाला है जो कि इसका कॉस्ट है सॉरी फिफ्टी सेवन रुपीज हमारा आ, ये एग्रीगेट का कॉस्ट है आज मार्केट मार्केट की वैल्यू की रेट के हिसाब से राइट तो हमारा हो गया बीस हज़ार पाँच सौ बीस बीस रुपया बीस हज़ार पाँच सौ बीस रुपया अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो फिफ्टी सेवन इंटू थ्री सिक्सटी तो आपके पास आए बीस हज़ार पाँच सौ बीस रुपया अब बात आती स्टील जो कि बिल्डिंग की जिसको रीर के हड्डी कहा जाता है आज के डेट में ठीक है स्टील स्टील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्यारह सौ के जी अरे इसमें भी बात करेंगे 1100 केजी में क्या क्या इंक्लूडेड है 1100 केजी और एक केजी का सॉरी इसमें केजी लिख दिया हमें ठीक है एक केजी का प्राइस है हमारे मार्केट में अड़सठ रुपया अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये लगेगा कितना लगेगा चौहत्तर हज़ार रुपये आठ सौ रुपये अब बात करते हैं ग्यारह सौ के जी में क्या क्या इंक्लूड देखो स्लैम में यूज होने वाला लंबाई चौड़ाई में जो यूज होगा स्टील वो मैंने दस एम एम की सरिया पकड़ी है जो कि उसमें टॉप लेयर रहेगा बॉटम लेयर रहेगा साइड से एक्स्ट्रा बार रहेगा और साइड से मेस रहेगा प्रोवाइड राइट और और जो मैंने बीम में जो स्टील पकड़ा है वो हम मैंने सोल सोलह एम तो नहीं सोलह एम कहीं कहीं पे सोलह एम आप पकड़ सकते हो इसमें आप मैच कर जाएगा राइट लेकिन ज़्यादातर बारह एम के सरिया बीम में लिया गया है राइट क्योंकि नौ सौ स्क्वायर फीट ज़्यादा स्पेन बीम की नहीं होती है अगर स्पेन बीम होती है तो फिर हम स्टील की डाया को बढ़ाना पड़ता है राइट तो ग्यारह सौ के उन चीज़ों की है अगर हम मल्टीप्लाई करते तो इतना रुपया आपका कॉस्ट पड़ जाएगा अब स्टील वायर के बारे में हम बात करेंगे स्टील वायर के बारे में इसमें ऑलमोस्ट 11 के जी आपका स्टील वायर भी लगने वाला है ग्यारह के जी आपका स्टील वायर यूज हो जाएगा सॉरी 11 के जी हम इसमें लिख देते बार बार ग्यारह के जी आपका स्टील यूज होने वाला है तो एक के जी मार्केट वैल्यू के हिसाब से पचासी रुपया है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो नौ सौ पैंतीस रुपया आएगा कितना आएगा नौ सौ पैंतीस रुपया राइट अब कॉन्ट्रैक्टर चार्ज क्या है हमारा कॉन्ट्रेक्टर चार्ज एक्चुअली जितना भी क्वांटिटी है उसी का तो चार्ज करेगा अभी भी इसमें भी एक ट्रिक्स हम बताएँगे आपको ठीक है अब देखो नौ स्क्वायर फीट एस क्यू एफ टी मतलब स्क्वायर फीट होता है नौ स्क्वायर फीट है और एक स्क्वायर फीट को काम करने के लिए कास्टिंग करने के लिए कॉन्ट्रेक्टर जो चार्ज करता है चालीस से सॉरी पैंतीस से चालीस रुपया तो मैंने चालीस रुपया पुका है ठीक है इसमें क्या क्या करके देगा मैं बात कर लेता हूं अगर आप नाइन नौ चौकी छत्तीस छत्तीस हज़ार रुपया आपका कॉन्ट्रेक्टर ले जाएगा काम करने के लिए ठीक है अब अब चालीस रुपये में जो काम करके देगा वो कंप्लीट आपको सेटिंग वर्क करके देगा सेटिंग भी उन्हीं का रहेगा ठीक है और आपको स्टील वर्क करके देगा मतलब स्टील बांध के देगा उस पर स्लैब कास्ट करके देंगे राइट right? आपके अकॉर्डिंग एज पर साइट एज पर मार्केट के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो सकता है अमाउंट right? राइट हमारे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ये है आपके हो सकता आप value, आप मार्केट वैल्यू बगल में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है वहां से आप पता कर सकते हैं और ये कॉस्ट आपका पैंतीस चालीस यही वेरी करेगा राइट right? ठीक है इसको अगर मल्टीप्लाई कर छत्तीस हजार रुपया आपका ये ले जाएगा तो अब हम बात करते नौ सौ स्क्वायर फीट देखो एक्चुअल में होता क्या है कि नौ सौ स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट है तो कुछ न कुछ पार्ट उसमें ओपनिंग आता है हमारा तो उस ओपनिंग पार्ट को आपको डिडक्शन कर देना है डिडक्शन क्यों करना है क्योंकि जितना कास्ट करेगा उतना ही कॉन्ट्रेक्टर चार्ज करेगा उसी एरिया के चार्ज कर सकता है ये चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा राइट अब हम अगर आप कैलकुलेट करते हैं सारे को टोटल करते हैं तो कितना आता है अब इक्वल करोगे तो एक लाख चौरासी हज़ार कितना पढ़ने वाला है एक लाख एक लाख चौरासी हजार चार सौ पंद्रह चार सौ पंद्रह मतलब इस स्लैब के कास्टिंग को करने के लिए इस स्लैब की कास्टिंग को करने के लिए कितना लेना पड़ेगा एक लाख चौरासी हज़ार चार सौ पंद्रह रुपया वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ फ्री है यार एक सब्सक्राइब करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दो इस वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय अपना ख्याल रखिए और खुद से ज़्यादा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए बाय